मी डेलविस क्या है? मी डेलविस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम मी डिवाइस विच वॉज जस्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड। दिस ऑनलाइन टूल विच एनीवन कैन यूज एम टू इम्प्रूव हाउ मेडिकल डिवाइसेस आर गिवन आउट एंड यूज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जो मेडिकल डिवाइस है उन्हें कैसे यूज करना है और कैसे दी जाती है। द मेन रीजन ऑफ मी डिवाइस वॉज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ केयर ऑफिसर्स एंड एंड यूजर्स। द डायरेक्टरी हैज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू हेल्प पीपल मेक अ स्मार्ट चॉइस अबाउट बाइंग चूजिंग एंड यूजिंग डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट। अब कई मेडिकल इक्विपमेंट्स आपको यूज करने नहीं आते होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जब पहली बार ग्लूकोमीटर हम लोग घर पे लेते हैं तो हमें एक प्लास्टिक की उसमें नीडल दी जाती है जिसमें सुई डाल के हम पंच करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद आदत पड़ जाती है, हम सीधे नीडल भोगने लगते हैं। अब हमें नीडल भोगने के लिए हमें पंचिंग नहीं करनी पड़ती, हम सीधे नीडल भोग के डायबिटीज चेक कर सकते हैं पेरेंट्स की। ये कब आता है? समय के साथ। ठीक है, द साइट हैज लिस्ट ऑफ 23 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट कवर द वाइड रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न एंड द चाइल्ड हेल्थ टू बी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज लाइक COVID-19 इन्फेक्शियस डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड। दोनों के लिए, COVID-19 और उनके लिए भी जो फैलती नहीं है। ग्लोबल इम्पैक्ट ओवर 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइस आर सोल्ड। दीज रेंज फ्रॉम सिंपल टूल टू हाईटेक डिवाइस लाइक हार्ट स्टंट्स एंड रेडियोथेरेपी मशीन। मी डिवाइस वॉन्ट्स टू ऑर्गेनाइज दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा सो दैट हेल्थ केयर सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड मेक बेटर डिसीजन मोर इजली। मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन यूज टू स्प्रेड अमंग द डिफरेंट फॉरेन एंड रेगुलेटरीज डेटाबेस ताकि हम चीजों को ठीक से समझ पाए। मी डिवाइस सेंट्रल कंप्लीट डेटाबेस इसका बना हुआ है, ये लोगों को बताती है टेक्नोलॉजी की क्या नीड है, कैसे यूज होगा। WHO ने स्टॉप बनाया ताकि मेडिकल डिवाइसेस को लोग ठीक से यूज कर पाए। तो कहीं पर भी आपको मी डिवाइस मिले तो मी डिवाइस का मतलब यही है कि भाई ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्रिएट करना जो आपके लिए प्रॉपर मैनर में फंक्शनिंग कर पाए, आपको चीजों को समझा पाए। अगर ये चीज हमारे पास आती है, जो कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी बेटा कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स हम लोग चलाते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी डन। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज होगी, इसको करना ही हमें यहाँ पर है। तो इसी को हम बोलते हैं इस लेक्चर की खात्मे की तैयारी, मतलब